तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। भागवत 10:2-33। भक्त का पतन नहीं हो सकता। अर्जुन एक बात सुन, क्या? कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। मेरी भक्त का पतन नहीं हो सकता, उसका पतन हो तो मेरी बदनामी हो जाए। तुम्हारा संभालने वाला इतना कमजोर था कि माया ने हमला कर दिया, अरे सूरज के सामने अंधेरा चला गया, ये हिम्मत? ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अरे अर्जुन, मुझको पाने में कुछ करना नहीं है, बस सोचना है, ओ मेरे हैं, ओ मेरे हैं, वो ही मेरे हैं, वो ही मेरे हैं, बस। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। संसार में तो थियरी के साथ प्रैक्टिस कंपलसरी होती है। आप रसगुल्ला बनाने के बड़े आचार्य हैं, लेकिन सब सामान भी रखा है, अब बनाने में आलकस कर रहे हैं। नींद आ रही है, चलो यार सो जाओ। अरे तो भूख लगी है, अरे नींद में सब भूल भाल जाएगा। बहुत से आलसी हमारे संसार में है, जो अकेले होते हैं तो एक टाइम बना लेते हैं, 4 दिन खाते हैं। कौन रोज रोज बनावे, क्या करें, रोटी बना लेते हैं, भुर्ता बना लेते हैं, बैगन का दास हो गया। अजी हम तो ऐसा करते हैं कि कुकर में दलिया दाल चावल सब इकट्ठे डाल के और अपना 15 मिनट में पका के खा लेते हैं। और बहुत से बड़े आदमी पैसे वाले तो कहते हैं हम अकेले हैं, होटल में जाके खा लेते हैं। लेकिन खाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं हमारा तो केवल मन से संबंध है, तुम चिंतन करो। तो मैं सुलभ हूं, सुलभ हूं। और ज्ञान के लिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। अर्जुन, देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति, अरे राम राम, बड़ी कठिन है। कहत कठिन, समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, अहो ये घुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा परत खगेश न लागई भारा। और अगर वो अंतिम क्लास में पहुंच भी जाए तो माया ही नहीं जाएगी। भगवत प्राप्ति की तो बात बहुत दूर की है।
रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण को ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूछ विषान ते सठ महासिंधु बिनु तरणी पैर भार चाहत जड़ करणी हो। क्या भयानक शब्द लिख रहे हैं तुलसीदास जी। सठ जड़ ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी खोजत आक फिर ही पय लागी। घर में कामधेनु बंधी है और वो मदार का दूध ढूंढ रहे हैं। वो पॉइजन होता है एक मदार अर्क कहते हैं। प्रहलाद कहते हैं कोत प्रयासो सुर बाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सता। सात सात 38 भागवत। अरे अंदर बैठे हैं भगवान, मंदिर में मत जाओ। कितनी कृपा है कि ये जीवों को विचारों को किसी के पैर न होगा, किसी के हाथ न होगा, किसी के आंख न होगी, तो हम ये शर्त नहीं रखते कि मंदिर में जाओ, कहीं मत जाओ। कहू भक्ति पथ कवन प्रयासा योग न जप तप मख उपवासा। कुछ भी नहीं है, कोई कर्म करने ही नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहू जो जानन हारा। केवल प्रेम, इतनी कृपा है। अगर आप कहें प्रेम तो बड़ी कड़ी कठिन, अरे प्रेम करना तो कुत्ते बिल्ली गधे भी जानते हैं, सबको मालूम है। हित या नहित पशु पक्षी हूं जाना। आप लोग कभी टीवी देखते हो, शेर जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसकी गंदगी को उसकी माँ चाट चाट के साफ करती है। भैंस गाय हाथी सब जानवर, वहां कोई नहलाने वाला नहीं होता। और कितनी गंदगी से पैदा होते हैं बच्चे, चाहे मनुष्य के हो चाहे पशुओं के हो, जीभ से चाट के। कितना प्यार है। सबको मालूम है प्यार करना, क्यों? अरे जाते कछु निज स्वार्थ होई ता पर ममता करे सब कोई। जहां हमारा स्वार्थ से धोने की बात बुद्धि में बैठी, प्यार हुआ हुआ, करना नहीं पड़ेगा। और फिर बुद्धि में आया, अरे यहां वो नहीं मिलेगा, अबाउट टर्न, एक सेकंड में एक मां का बच्चा खो गया है, रो रही है एक हफ्ते से, मेले में खोया, सारा मेला ढूंढ रही है, पीछे से देखा एक बच्चा जा रहा है, ये मेरे बच्चे की तरह टोपी पहने है, वही शर्ट है, आ, मिल गया मिल गया मिल गया। अरे ओ पप्पू, दौड़ के वो मां
देखती है सामने से, अरे ये मेरा नहीं है। ये कपड़े से देखकर तो इतना प्यार की भागी, और जब मुंह देखा, अरे ये मेरा नहीं है, वैराग्य हो गया। ये प्यार वैराग्य रोज हम दिन में 50 बार करते हैं, इतना अभ्यास है। हमारी बात मान लिया मां ने, बाप ने, बीबी ने, पति ने, बेटे ने, प्यार हो गया। कितना अच्छा है हमारा बाप। हमने कहा हमको मोटरसाइकिल ला दो, उनने कहा ए बॉय इनको मोटरसाइकिल खरीद दो। अरे इतनी जल्दी मान लिया। और एक बात नहीं माना, वो बाप हो, बेटा हो, बीबी हो, पति है, वैराग्य हो गया। वो हमको अगर कोई बुद्धि में बिठा दे कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा आनंद भगवान में है, बस प्यार हो जाए, हो जाए, करना नहीं पड़े। स्वार्थ साच जीव कहे हा मन क्रम बचन राम पद नेहा एतावानेव लोकेस्मिन् पुंस स्वार्थ परस्मृता एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। प्रहलाद ने कहा था 7755, यही एक स्वार्थ है बस प्रत्येक जीव का, कि भगवान से प्यार कर लो बस। और प्यार करने में कोई नियम नहीं, ध्यान दो, न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, न तो ये है कहां बैठे, ये तो गंदी जगह है, किधर को मुंह करके बैठे। हम तो संध्या करते थे तो हमारे गुरुजी ने कहा था सवेरे संध्या करना तो पूरब की तरफ मुंह करके बैठना, शाम को संध्या करना तो पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठना, और सबसे पहले मंत्र बोलना ऐसा, उसके बाद ऐसा करना, उसके बाद ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम चाहे बाथरूम में प्यार करो, चाहे लेट्रीन में करो, चाहे जहां जैसे रहो, हर अवस्था में भगवान से प्यार करना है, जैसे अपनी मां से, बाप से, बेटे से प्यार करते हो। एक मां नहा रही है और उसका मन बेटे में है, इसको 105 बुखार हो गया है, अच्छा न हो जाए, खाना पका रही है, बच्चा रोया, क्यों रोया, कोई नियम नहीं। इतनी रियायत भक्ति मार्ग में है, और जब भगवत प्राप्ति होगी, ध्यान दो, तो एक भक्त खड़ा हुआ और एक ज्ञानी खड़ा हुआ, जिसने श्री कृष्ण की शरणागति करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, उसको ब्रह्मानंद मिल गया, माया गई, ब्रह्मानंद। इसको मिला प्रेमानंद, इसमें अंतर है। जैसे मां के पेट में बच्चा था, मैं मां बनने वाली हूं, उसका पति कह रहा मैं बाप बनने वाला हूं, सुनो जी
अरे कैसा है लड़का है, ये सब मुझे नहीं मालूम अभी, लेकिन लक्षण सब बता रहे हैं। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, जल्दी हो जाए। और जब हो गया, उसकी शक्ल देखा, थोड़ा और बड़ा हुआ, उसकी हरकतें देखी बेवकूफी की। अरे बेवकूफे तो होते हैं पहले हम लोग, अंड बंड काम करते, मिट्टी रही उसको भी मुंह में डाल लिया, कोई गोबर बैठ पड़ा है उसको भी मुंह में डाल लिया, हमको अकल तो है ही नहीं कुछ। बाप के ऊपर बाथरूम कर दिया, माँ के ऊपर कर दिया, हमने हंस रहे ठाट से। आप लोगों को भूल गया होगा, ये सब आप लोग कर चुके हैं। तो भक्ति मार्ग में कोई कायदा कानून कुछ नहीं है, और जब अंतिम अवस्था में वो पहुंच जाएगा तो ज्ञानी लोग उसके इष्ट देव को देखते ही तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वभिवरेण चकार तेषां संक्षोभ मक्षरजुषा मपि चित्त तन्वो। 3, 15, 43 सनकादिक परमहंस जो अंतिम ज्ञानानंद ब्रह्मानंद में सदा लीन रहते थे, अचानक उनके मन में आई, वैकुंठ चले गए, ये ब्रह्मा के लड़के हैं, सदा छोटे सी उम्र में रहते हैं, नंगे परमहंस, इनको भगवान का अवतार भी माना जाता है। वहां भगवान को देखा, प्रणाम किया, उनके चरण पर तुलसी रखी थी, उसकी गंध नासिका में आई, उठे, आंख खोला, ये आनंद है, वो नहीं है, बेकार है हमारा ब्रह्मानंद। कामं भवस्व ब्रिजि नैर निरये सुनस्या चेतो लिवत यदि नुते पदयो रमेत। 3, 15, 49 महाराज मैं कुछ मांगूंगा। ब्रह्मानंदी भी मांगता है? हाँ महाराज, मुझे मालूम है ना, आप ही से तो मांग के हम ब्रह्मानंदी बने थे, तो अब फिर एक चीज मांग रहे हैं। क्या? वो ब्रह्मानंद जो हमने मांगा था ना, वो हमारा कैंसिल कर दीजिए, और भले ही नरक हमको दे दीजिए, लेकिन आपका प्रेमानंद चाहते हैं। ये सनकादिक परमहंस कह रहे हैं। अलबेली सरकार की प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी प्यारी प्यारी भोरी भारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी सुधी लो हमारी वृषभानु दुलारी सुधी लो हमारी वृषभानु दुलारी तुम भी मोही भूलो नहीं भानु दुलारी
तो ही भूलो नहीं, भूले हूँ प्यारी मैं भी तो ही भूलो राधे, ओ प्यारी प्यारी भोली भारी बरसान वारी, प्यारी प्यारी भोली भारी बरसान वारी। एक दिन सुनेगी भरोसा भारी प्यारी, एक दिन सुनेगी भरोसा भारी प्यारी, छोड़ू नहीं पाछा प्रेम दे आना दे प्यारी, छोड़ू नहीं पाछा प्रेम दे आना दे प्यारी, ओ प्यारी प्यारी भोली भारी बरसान वारी, प्यारी प्यारी भोली भारी बरसान वारी। तू तो मेरी थी है रहेगी भी सुकुमारी, तेरी बनू ऐसी कृपा करूं प्यारी, मैं भी तेरी बनू ऐसी कृपा करूं प्यारी, ओ प्यारी प्यारी भोली भारी बरसान वारी, प्यारी प्यारी भोली भारी बरसान वारी। तेरी कृपा में तो कछु कमी नहीं प्यारी, तेरी कृपा में तो कछु कमी नहीं प्यारी।